हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नोल पटेल, एसीआर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस टॉपिक में जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे कि चेहरे के काले दाग धब्बे जो कि बहुत ही ख़राब लगते हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको एक सटीक बहुत अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। इस जानकारी को आप पूरी तरीके से सुने और साथ में मैं आपको इसमें एक अच्छी क्रीम के बारे में भी जानकारी दूंगा, जिसको आप लगाएंगे तो हो सकता है आप पूरे जड़ से आप अपने दाग को ख़त्म कर सकें। देखिए, ये जो चेहरे में आप देख रहे होंगे अधिकतर ये महिलाओं को ज़्यादा होता है। महिलाओं के चेहरे में अधिकतर गालों में, चीक में, नोज़ में और साइड साइड हिस्से में काले दाग धब्बे बन जाते हैं। बेसिकली ये काले नहीं होते हैं, ब्राउन होते हैं, जो हल्के भूरे से लेकर डार्क भूरे पैचेस हो सकते हैं, जिसको सामान्य तौर पर इसको जो नाम दिया जाता है, जिसको झाई बोलते हैं या मेलाज्मा कहते हैं या क्लोज्मा भी कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर ये क्यों हो जाता है। देखिए, इसके कुछ कुछ मुख्य कारण जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। धूप, धूप में इवन आप 5 सेकंड के लिए भी बाहर निकलते हैं तो आपकी स्किन हो सकता है धूप के प्रति सेंसिटिव हो गई होगी, लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं होगा। तो आप मेरी बात को ज़रूर माने, ये धूप के कारण बढ़ता जरूर है, इसलिए आपको 5 सेकंड भी धूप में नहीं रहना चाहिए, ठंडी में धूप में नहीं बैठना चाहिए। धूप में जब भी आप कहीं भी आना जाना करते हैं तो आप अपने चेहरे में अच्छे से अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन लगाएं, चेहरे को कपड़े से ढक के रखें, चेहरे को कभी भी धूप की किरणों से बचाने के लिए। और बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि आप हरी साग सब्जियाँ, सीजनल फल, सलाद ज़्यादा खाया करें, जिससे कि आपके चेहरे को धूप से बचाने वाली चीज़ें, मतलब एंटीऑक्सीडेंट भी ज़्यादा मिलेगा। दूसरा जो मेन कारण है वो होता है प्रेगनेंसी। महिलाओं में प्रेगनेंसी कॉमन है कि वो अपने लाइफ स्पैन में कभी न कभी एक बार गर्भवती होती हैं, या गर्भवती होने के साथ में कभी न कभी वो हार्मोनल पिल्स की गोलियां खाती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव गोल्स खाती हैं, जिनके कारण भी झाई बनने की शुरुआत हो सकते हैं। किन्हीं किन्हीं में तो ऐसा नोटिस किया गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम में इस टाइप की झाई बनते हैं और प्रेगनेंसी जब भी ख़त्म हो जाता है तो वापस ये ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी के टाइम में बनते हैं और वो ठीक अच्छे से हो भी होते नहीं हैं। तो आपको इसके लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं, जिस समय प्रेगनेंसी के समय में भी आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट से जाके जरूर दिखाएं, चेकअप जरूर लें, जिससे आपको ये बीमारी बाद में घातक या ख़राब दिखने वाली बीमारी न बने, आपका स्किन अच्छा रहे। तीसरा जो मेन कारण होता है वो चेहरे में गलत क्रीम लगाने के कारण। खुशबूदार क्रीम, कॉस्मेटिक क्रीम का इस्तेमाल महिलाएं बचपन से लेकर करते रहती हैं, जिससे उनके स्किन पे साइड इफ़ेक्ट होता है और धीरे धीरे स्किन के जो मेलनोसाइट्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपकी स्किन नुकसान होनी शुरू हो जाती है। यह बात भी अधिकतर महिलाओं को पता नहीं रहती है, जिसके कारण वो कुछ न कुछ क्रीम इस्तेमाल चेहरे में करते रहते हैं। चौथा जो मेन कारण होता है वो हो सकता है, यह लगभग मान चलिए कि होता है, आपका वातावरण, मतलब आप गर्म एरिया में रहते हैं, घर में जो किचन में खाना बनाते हैं, धूप एरिया में ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे चीज़ों में होता है। पांचवा जो कारण है वह है फेशियल, मसाज, स्क्रबिंग, चोट। किसी प्रकार का आप अगर ब्यूटी पार्लर वाला प्रोसीजर या तो घर में या ब्यूटी पार्लर में अगर आप अपने चेहरे में करवाते हैं तो आपको झाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है छठवां कारण। इसके साथ ही साथ में और भी मुख्य कारण बहुत सारे रहते हैं, तो मैंने आपको जो बहुत सारे कॉमन कारण बताया, तो इन कारणों से बचने के लिए जो सबसे बेहतरीन और अच्छा क्रीम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो होता है पहला सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जब किसी को भी अगर ये मेलाज्मा बन जाता है तो उनको सनस्क्रीन मान के चलिए कि आपको ज़िंदगी भर लगाना चाहिए। अच्छा चीज़ है, आप जो नॉर्मली मार्केट में मेडिकल स्टोर मिलने वाले क्रीम को लगाने के बजाय आप सनस्क्रीन को लगाएं, आपका चेहरा ग्लो भी करेगा, अच्छा रहेगा और आपको नुकसान नहीं होगा। मार्केट में या कहना चाहिए कि मेडिकल स्टोर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सनस्क्रीन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एक अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन आप अपनी स्किन में ज़रूर लगाएं। सनस्क्रीन लगाने का तरीका ये होता है कि आपको सुबह 8 बजे, 12 बजे, 2 बजे इस तरीके से 3 बार या हर 2.5-3 घंटे में आपके चेहरे में सनस्क्रीन लगाते रहना चाहिए। कभी लगता है कि आपको धूप की एक्टिविटी या धूप में जाना ज़्यादा रहेगा तो उस समय आप आधे घंटे पहले अपने चेहरे में सनस्क्रीन लगा के जा सकते हैं और अपने चेहरे को हमेशा बढ़िया से काफ़ी कवर करके ढक करके रखें। अब मैं आपको एक स्किन लाइटनिंग एजेंट, मतलब जिसको लगाने से ये दाग धब्बे जल्दी जाएंगे, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो क्रीम का नाम है लुमिवाइड, टोरेंट फार्मा कंपनी का आता है। इस क्रीम सेफ़ है, रिज़ल्ट इसका थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन आप इसको अगर शाम को और रात को दिन में 2 बार इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं तो आपका डार्क पैचेस में लाइटनिंग ज़रूर मिलेगा आपको। इसके साथ ही साथ में और बहुत सारे जो ट्रीटमेंट के पार्ट होते हैं और बहुत सारी जानकारी होती हैं, अगर इससे डिटेल जानकारी चाहिए
तो मिलाज़मा के ऊपर मैंने दो वीडियो बना के पहले भी रखे हैं, जिनको आप जा कर के देख सकते हैं। बाकी जानकारी अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आखिरी में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सही समय पर ज़रूर मिले। धन्यवाद।